मोस्ट रिडिकुलस पावर एकदम वाई। और यार क्या हाल चाल है तुम्हारे। चैप्टर 1045 जितना मजेदार है उतना कंफ्यूजिंग भी है, पर हम लोग से ज्यादा कंफ्यूज तो काइडो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लूफी की अवेकनिंग सिर्फ आसपास के ऑब्जेक्ट्स को रबर में कन्वर्ट करनी चाहिए, पर यहाँ तो जिंदा चीज लाइक काइडो और नीचे खड़े लोग, व्हाट द फक इज हैपनिंग। लेकिन फिर किड की भी अवेकनिंग आ जाती है जहाँ पे वो बिग मॉम को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। तो फिर डुफ्लेमिंगो और काटाक्रू ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। तो आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और बात करेंगे चैप्टर के बारे में। गॉड आई एम लेट। और बात ये भी करेंगे कि क्यों डेविल फ्रूट का एक चौथा टाइप भी हो सकता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स रोल द इंट्रो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लूफी गियर 5 इज हियर, बूम, काइडो की वाट लगने वाली है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में काइडो लूफी से कहता है, मुझे लगा था कि तुम मर गए, और लूफी कहता है, मुझे भी वही लगा था। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि लूफी सही में मर गया था, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस भी करा था कि अवेकनिंग के लिए मरना जरूरी है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो बाकी सारे लोग भी हैं वो लोग भी कहते हैं कि हाँ वे लूफी को सेंस नहीं कर पा रहे हैं। और यार बाकी को छोड़ो, काइडो को देखो, एक योंको तक ये कह देता है कि हाँ लूफी मर गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि काइडो पहली बार कहता है कि लूफी मर गया था। जब काइडो और लूफी की पहली फाइट हुई थी जहाँ पे लूफी बुरी तरह हार जाता है, वहाँ पे काइडो कहता है कि हाँ ये मर गया है। और ये चीज भूलना मत कि वो एक एम्परर है, यानी उसके पास कुछ सुप्रीम लेवल हाकी तो होगा। ऑब्जर्वेशन हाकी की बात कर रहा हूँ। तो मेरा गेस यहाँ पे ये है कि लूफी यहाँ पे एक्चुअली में मर गया था, पर उसका हार्ट उसको बचा लिया, लाइक उसका हार्ट वापस से पंप होने लगा और इसके कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉन्कर हाकी रिलीज होता है, जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा भी है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो जोन की अवेकनिंग है जो कि हमें इंपल डाउन में बताई गई थी, उसका डेफिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे लूफी का जोन पहले ही अवेकेंड हो चुका था, जो कि इस पैनल में या फिर इस सीन में था। और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों लूफी जेल में जाने के बाद इतनी जल्दी रिकवर हो जाता है। किड को काउंट मत करना क्योंकि वो वहाँ पे पहले से था और वो वहाँ पे उतना इंजर्ड भी नहीं था। अब चलो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लूफी गियर 5 के आने के बाद अब लूफी काफी ज्यादा मजे में है और काइडो का दिमाग हिला हुआ है। He is like, ऐसी अवेकनिंग तो पैरामीसिया में होती है, पर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो जोन में होता है, हो क्या रहा है। बट अगेन काइडो का क्वेश्चन करना यहाँ पे जायज है, क्या ऐसा हो सकता है कि लोग या पैरामीसिया और जोन के अलावा भी एक और टाइप हो जिसमें डेविल फ्रूट का एक्चुअली में मिक्सचर हो। लाइक ये एक्सप्लेन करता है कि दोनों पैरामीसिया और जोन को लूफी कैसे यूज कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, मिथिकल जोन का अवेकनिंग अलग होता है और नॉर्मल का अलग। अगर ऐसा है तो काइडो अवेकनिंग में क्या जमीन को क्या चीज में कन्वर्ट करेगा। अच्छा चलो मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता भी है तो ये बताओ कि काइडो इस अवेकनिंग, इस लूफी के नए फॉर्म को देखकर वो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है। एंड अगेन ये पहली बार नहीं है कि हम लोगों ने डेविल फ्रूट के मिक्सचर को देखा हो। ब्लैक बियर्ड को देखो, जब एस उससे लड़ रहा था तो वो ये मेंशन करता है कि उसके जो नॉर्मल अटैक्स हैं वो ब्लैक बियर्ड को एक्चुअली में हिट कर पा रहे थे, जबकि वो एक लोगिया यूजर है। और ब्लैक बियर्ड ये कहता भी है कि उसका जो लोगिया फ्रूट है वो एक्चुअली थोड़ा स्पेशल है। उसके पावर्स को देखो यार, वो दूसरे डेविल फ्रूट के पावर्स को नलीफाई कर सकता है और पावर्स यानी कि दूसरे अटैक्स को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, लाइक अ ब्लैक होल। और ये भाई लोगिया कम पैरामीसिया फ्रूट का प्रॉपर्टी ज्यादा लग रहा है। और ये चीज याद रखो कि लूफी और ब्लैक बियर्ड का जो फ्रूट है वो थोड़ा सिमिलर दिखता है दिखने में। तो क्या ये हो सकता है कि जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनमें दो डेविल फ्रूट का प्रॉपर्टीज होता हो। और ये चीज याद रखो कि लोगिया और जोन जो फ्रूट नहीं होता है उसको ही पैरामीसिया कहते हैं, राइट। तो अवेकनिंग तब इस हिसाब से क्या है, क्योंकि पैरामीसिया में तो तब बहुत से अजीब अजीब फ्रूट भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अवेकनिंग बेसिकली तुम्हारे जो मेन पावर अप होते हैं, तुम्हारे जो मेन पावर होते हैं एक फ्रूट का, उसका ही लेवल अप वर्जन होता है। जस्ट लाइक किड की अवेकनिंग जहां पे वो मैग्नेट्स को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाता है और वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकता है। और जोन जहां पे इनका मेन पावर होता है इनका ट्रांसफॉर्मेशन, और इनकी अवेकनिंग में इसी ट्रांसफॉर्मेशन का इनका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिकवरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि हमें बताया गया था इंपेल डाउन आर्क में। और लोगिया फ्रूट का भी अपना पावर से ही रिलेटेड होगा, लाइक क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू दैट डेविल फ्रूट, जैसा कि हमें पंख हजार्ड में देखा भी था, जहां पे तुम गौर करो तो दोनों आइलैंड का जो पार्ट है वो डिवाइडेड था, इस तरफ बर्फ, इस तरफ तुम्हारा मैग्मा, जहां पे वो लोग फाइट भी किए थे तुम्हारे कुजान और साकाजुकी। तो हो सकता है वो लोग अपने डेविल फ्रूट अवेकनिंग किए हो वहां पे एंड दिस रिजल्ट इन द क्लाइमेट चेंज ऑफ दिस पंख हजार्ड आइलैंड। और फिर आता है फ्रूट्स लाइक हितो हितोनोमी मॉडल नीका, जहां पे मेन पावर है तुम्हारा रबर और उसकी अवेकनिंग है तुम्हारा
जहाँ पे तुम देख सकते हो अपने जमीन या फिर अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग्स को रबर में कन्वर्ट कर देना। पर क्योंकि वो जोन भी है तो इसीलिए यहाँ पे उसका रिकवरी और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक मिक्स्ड टाइप फ्रूट हुआ। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक बेल्ट का जो डेविल फ्रूट है वो एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक वो पूरे दुनिया को डार्कनेस से ढक सकता है, जिससे जो सारे लोग है उनका तुम कह सकते हो बोलो एक तरीके से कैद हो जाएंगे, उनका फ्रीडम छीन लिया जाएगा। और अब इस हिसाब से देखा जाए तो लूफी एज अ सन गॉड एंड गेम के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्लॉट है। तुम्हें क्या लगता है इस फोर्थ टाइप डेविल फ्रूट थ्योरी के बारे में, कमेंट कर बताओ, क्योंकि इसको मैंने पूरा नहीं किया है। अगर तुम चाहो तो इस थ्योरी को एक्सटेंड कर सकते हो, और अगर कुछ अच्छा थ्योरी बनता है तो यार मुझे इंस्टाग्राम में बताओ यार, वहां पे जाके फॉलो कर लेना। चलो अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लूफी को उछलता कूदता देख काइडो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूफी को खा जाता है। हालांकि उसको डॉज करने के बजाय लूफी उसके अंदर ही चला जाता है। वेट व्हाट, काइडो के अंदर वो पिंग पोंग बॉल की तरह उछल रहा होता है और यूज करता है गुम गुमनो बैलून, और काइडो का कुछ ऐसा हाल करता है। और जब ये सब हो रहा था उस वक्त यामाटो और मोमोनोस के ऊपर आ जाते हैं और ये सब चीजों को अपने आंखों से विटनेस करते हैं। यामाटो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है हो क्या रहा है, क्योंकि उनके अब्बू ऐसा तो कोई फॉर्म नहीं था उनका। और काइडो चिल्ला रहा होता है कि बॉडी तुम्हारा रबर का है मेरा नहीं। मीनवाइल जब लूफी काइडो के अंदर होता है तो उसको दो लाइट्स दिखाई देते हैं और उसको लगता है कि वो बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन जब पता चलता है कि वो काइडो का आंख है तो वो अपने हाथों को काइडो के आंख से बाहर निकलता है और वो उसके आंख को रबर में ट्रांसफॉर्म भी कर देता है और उसके नाक को पकड़कर अपने आप को बाहर फेंक देता है। यामाटो और मोमो शॉक हो जाते हैं जब वो लूफी को काइडो के बॉडी से बाहर आते हुए देखते हैं। लूफी अपना बैलून फॉर्म को फुस कर देता है और आसमान में चला जाता है और हमें दिखता है दी एपिक जायंट लूफी, बेसिकली थर्ड गियर की तरह, पर इस बार उसका पूरा बॉडी ही जायंट है। वेट अ मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉय बॉय ने हितो नोमी सन गॉड निका खाया था और ये हैट उसका ही है? किसका वेट कर रहे हो यार, जाके थ्योरीज बनाओ। कमिंग बैक टू चैप्टर, लूफी आसमान से गिरते वक्त गुमु गुमुनो जाइगेंट यूज करता है और काइडो को एक कीड़े की तरह कुचल नहीं वाला होता है। और यामाटो और मोमोनोस के ये तक कहते हैं कि वो कौन है भाई, उसमें से तो लूफी की आवाज आ रही है, क्या वो सही में वही है? लेकिन तभी जब लूफी काइडो को कुचलने वाला होता है उस वक्त काइडो लूफी को काट लेता है। लेकिन जब काइडो लूफी को काटता है उस वक्त लूफी काइडो को पकड़ लेता है और यूज करता है अपना नया मूव गुमु गुमुनो जंप रोप, और काइडो को एक जंप रोप की तरह बनाकर वो उसको यूज करते हुए नीचे आता है। मोस्ट रिडिकुलस पावर। हाँ तो अब काइडो का दिमाग खराब हो चुका है और वो गुस्से में बोलो ब्रीथ अटैक यूज करता है लूफी पर, और लूफी को डायरेक्टली वो अटैक लग जाता है। लूफी पूरा जल जाता है एकदम कार्टून स्टाइल में, और फिर लूफी को आता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो हवा में ही दौड़कर काइडो के पास जाता है, लेकिन इस बार काइडो बिल्कुल तैयार है और वो अपना उस बड़े से हथौड़ा से उसको हिट करता है, यूज करता है दी थ्री वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट रैग्नारोक। जब काइडो लूफी को हथौड़े से हिट करता है जिसके कारण लूफी बहुत कस के चिल्लाता है और उसका आंख बाहर हो जाता है और वो ओनिगासीमा के रूफ को तोड़कर अपना बड़ा सा सर सबको रिवील कर देता है, जिसको देखकर लॉकेट चॉपर नामी और ओतामा इन सब का आंख बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि लूफी की जो अवेकनिंग है उसका एक रेंज हो लाइक कॉन्करर हाकी और वो वहां तक पहुंच रही हो और वो ऑब्जेक्ट के साथ लिविंग बींग्स लाइक इन लोगों को भी अफेक्ट कर रहा हो, या फिर ये बस एक कॉमेडी पर्पस के लिए था। याद है मैंने कहा था कि ओडा से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि लूफी का जो रबर है वो आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, और ओडा ने कहा था कि वो एक स्टूपिड रबर है। उस वक्त हालांकि हमें कुछ समझ नहीं आता, बट नाउ इट मेक्स सेंस। अब नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कि ओनिगासुमा के रूफ के टॉप पे लूफी अब वापस आ चुका है और काइडो कहता है कि ये सब बिल्कुल एक कॉमिक बुक की तरह है। नेक्स्ट पैनल में लूफी हमें दिखता है कि उसका जो गियर 5 है वो अब एक नॉर्मल स्टेट में वापस आ रहा है। एक्चुअली नॉर्मल भी नहीं कहूंगा, बेसिकली ऐसा तब होता था जब लूफी काफी ज्यादा भूखा था लाइक इन होल केक आइलैंड, और जेल में भी हुआ था उसके साथ ऐसा वानो में। खैर आगे लूफी कहता है कि वो बहुत थक गया है और काइडो लूफी से पूछता है अबे तू कौन है बे। बेसिकली काइडो को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है।
और काइडो भी बगल में लूफी के बैठ जाता है और लूफी से कहता है कि तुम आराम करो और आराम करते हुए मर जाओ, तुम्हारे बारे में कहानियां बताई जाएंगी। और लूफी हंसते हुए कहता है कि इसके बारे में किसको परवाह है, जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारी बस हड्डियां बचती हैं। आके हमें मोमो और जो यामाटो है वो लोग देखने को मिलते हैं और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अरे वो तो सही में लूफी है, हालांकि उसका जो कपड़ा था और उसका जो बाल था वो व्हाइट हो गया था तो उसको पहचान नहीं पा रहे थे। और मोमो ये कहता भी है कि जो लूफी है उसका वॉइस धीरे धीरे गायब हो रहा है। सबसे पहले तो यार मोमो उसके ये वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को यूज करना कब सीख गया। एनीवेज लूफी वापस खड़ा होता है और उसका बॉडी वापस से व्हाइट होने लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसके बॉडी से स्मोक निकलता है और वो कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्यों है ना मोमो तामा किएनमोन पेदरो। और काइडो कहता है कि तुम सही में खुद को मार लोगे। और यहाँ पे तुम काइडो को देख सकते हो, यार वो एक्चुअली में इस फाइट को एंजॉय कर रहा है। खैर लूफी अपने हार्ट बीट को वापस एक्टिवेट करता है और तभी काइडो लूफी पर अटैक करने वाला होता है। लूफी हंसते उछलते हुए कूद रहा होता है और यामाटो लूफी को संभालने के लिए भी कहती है, और जैसे ही लूफी के ऊपर काइडो अटैक कर नहीं वाला होता है, लूफी उस अटैक को अबे यार व्हाट द फक यार क्या है ये। तो जब काइडो लूफी को अपने जो भी उस बड़े से चीज है उस हथौड़े से लूफी को हिट करता है तो लूफी का फेस उस हथौड़े जैसा हो जाता है और काइडो फिर से लूफी को वापस जमीन में धसा देता है। पर क्योंकि इस बार जमीन रबर का होता है तो लूफी पूरे फोर्स के साथ वापस बाउंस बैक करता है और एक स्पिन व्हील की तरह वो वापस घूमता हुआ काइडो के पीछे एक पत्थर के ऊपर चला जाता है। और काइडो बीच में ये कहता भी है कि ये अजीब सा वाइट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो लूफी उस बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और काउंट करता है 3, 2, 1, 0 और तभी वो उस पत्थर को रबर में कन्वर्ट कर देता है और उसको एक ट्रैम्पोलिन की तरह यूज करके एक जंप करता है और काइडो की तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। काइडो ये सब देखकर कंफ्यूज होता है। एक्चुअली काइडो जिस व्हाइट फॉर्म के बारे में बात कर रहा था वो गियर 5 है, यानी कि जो अवेकनिंग है वो येलो नहीं वो व्हाइट है, तो ये जो सारे फैन आर्ट है ये सब गलत है। और काइडो लूफी से काफी इम्प्रेस्ड भी होता है क्योंकि उसका जो बॉडी है वो अपने बॉडी को कॉन्करर हाकी एंड आर्मामेंट हाकी दोनों से ही कोट किया हुआ होता है और अपने डेविल फ्रूट को फुल पोटेंशियल में यूज कर रहा होता है। इतना ज्यादा काइडो इम्प्रेस हो जाता है कि वो ये कहता भी है कि इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। वो रो 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 काइडो अपने हथौड़े से लूफी पर अटैक करता है पर लूफी उसको डॉज करके काइडो के मुंह पे एक पंच मारता है जो कि उसके चेहरे के आर पार चला जाता है। ये देखकर यामाटो और मोमो दोनों पागल हो जाते हैं और लूफी कहता है बहुत मजा आ रहा है हाँ काइडो। ओके सो क्या काइडो हार गया? ऑब्वियसली नहीं, मेरे ख्याल से अभी वो टाइम है जब काइडो अपना अवेकनिंग यूज करेगा या फिर हो सकता है काइडो अपना पास्ट बताए जहाँ पे वो रॉक्स पायरेट्स के साथ था, यानी बिग मॉम व्हाइट बियर्ड जैसे बड़े लोग। काइडो का पास्ट एक्चुअली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और अब सही वक्त आ चुका है। और हाँ चैप्टर में तुम लोगों ने ये चीज देखी होगी जहाँ पे जब लूफी अपने हार्ट को एक्टिवेट करता है तो उसका जो हार्ट है वो ड्रम की तरह आवाज करता है और उसमें से काफी ज्यादा अमाउंट में कॉन्करर हाकी रिलीज होता है। तो ये एक्सप्लेन करता है मेरे इस वाले सिचुएशन को जहाँ पे मैंने बात करी थी कि लूफी ऑलरेडी मर चुका था। पर लूफी ये कर कैसे पाता है? याद है लूची का स्टेटमेंट अबाउट सेकंड गियर, जब लूफी सेकंड गियर को यूज करता है तो उसके बॉडी में ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं जब वो अपने कोई बॉडी पार्ट को एक पंप की तरह यूज करता है, जिसके कारण उसका स्पीड बढ़ जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है क्योंकि अगर नॉर्मल बंदा इसको यूज करेगा तो वो फट जाएगा, लेकिन लूफी का बॉडी एक्चुअली में एक रबर है, यानी उसका जो हार्ट है वो भी एक रबर हुआ। और ये एक्सप्लेन करता है कि लूफी क्यों सरवाइव कर गया इस चीज को। और इसका साउंड एक्चुअली ड्रम जैसा है क्योंकि मांगा में यहाँ पे साउंड इफेक्ट मेंशनड है, ड्रम ऑफ लिबरेशन। बाय द वे अगर मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ तो तुम लोग क्या सही में सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? यार सब्सक्राइब कर दो, इसमें पैसा थोड़ी लगता है तुम्हारा। और हाँ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, जो कि तुम लोग शायद पता नहीं यार मुझे भरोसा नहीं रहा तुम लोगों पे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।